हेलो दोस्तों, आई एम आदित्य फ्रॉम कानपुर। देखिए दोस्तों, मैंने आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए अब आज से एक नया शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लास दिन रात आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक दिन में आपको कम से कम 10 लाइव क्लास प्रोवाइड कराएंगे, हर सब्जेक्ट की दो दो लाइव क्लास। इसलिए अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम हैं आपके साथ। ओके, तो हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो, और शेयर तो बिल्कुल ही कर दीजिए, अगर ना किया हो तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बल्कि कुछ धमाल मचाने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। देखिए देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कम से कम 8 नंबर के, जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो प्रिपेयर करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले वाली लाइव क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि हमको किस प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम माइंड में फिटअप करना है विथ ट्रिक के साथ में, जो आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए, अब देखिए हम उसी के आगे बताने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो पहले वाले वीडियो अब आपने नहीं देखे हो, तो एक बार ज़रूर उनको देखिए। और अब देखिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको कोई भी चैप्टर लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग उस चैप्टर को लर्न कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आपको लर्न करना है, इसके लिए पहले आपको उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए, आखिरकार हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ना। तो देखिए, अगर कोई भी चैप्टर है, आप उसको एकदम मक्खन करना चाहते हैं, एकदम तैयार करना चाहते हैं, एकदम फिंगर टिप्स में करना चाहते हैं, यानी एकदम उंगलियों में करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किप के, मींस बिना स्किप के। ओके, तो देखिए देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के हर प्रकार, ये देखिए, ये कोई केवल एक सब्जेक्ट के लिए बात नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए बात है कि आप लोग हर सब्जेक्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि अब टाइम हमारे पास नहीं है, और हमारे साथ जितना हो सके दिन रात हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अब हम आपको कॉपी पेन नहीं उठाने देंगे, केवल आपके माइंड में घुसेड़ेंगे कैसे आपको नहीं याद होता, आप हमारे साथ बोलेंगे। देखिए, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए देखिए, मैं आपको पहले रिकॉल कराए देता हूँ। रिकॉल मीन्स होता है दोहराए देता हूँ। ओके, रिकॉल या रिकलेक्ट, ये आपके सिनोनिम्स भी आते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो अगर आ जाए किसी चीज़ को रिकॉल करना मीन्स दोहराना, तो उसको आप रिकॉल या रिकलेक्ट बोल सकते हैं। देखिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, आप 2021 में लिख लीजिए कि HNO3 आना है तो आना है, मींस नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि आएगी, या तो ओस्टवाल्ड या तो आर्क विधि, ठीक। और ये नहीं आएगी तो इसके बाद में अमोनिया आएगी। देखिए, अमोनिया अगर ये भी नहीं आ रही तो उसके बाद में क्लोरीन है, क्लोरीन भी नहीं आ रही तो ओजोन गैस है, ओजोन नहीं आ रही तो अक्री गैस, तो एक नंबर में निश्चित ही आनी है। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, देखिए हम लोग पहले समझेंगे पी ब्लॉक। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा, है ना, और सब लोग समझते हैं बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें कुछ नहीं है, फिर भी सब लोग बहुत इसको हार्ड समझते हैं। इसलिए आपको हार्ड समझने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि HNO3 आखिर क्या है, क्या तो एक यह एक प्रकार का एसिड है। क्या है? एसिड है। वो भी कैसा एसिड है? प्रबल एसिड है, ठीक है ना, प्रबल एसिड है। ध्यान दीजिए इधर, ये कैसा एसिड है? प्रबल एसिड है। देखिए, ये है प्रबल एसिड, ठीक। अब देखिए, उसके बाद में हम लोग समझेंगे इसके निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इसके निर्माण के मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ दो वीडियो, उसमें मैंने आर्क विधि और ओस्टवाल्ड विधि का दोनों का सचित्र वर्णन एकदम व्याख्या और विथ ट्रिक के साथ में बताया कि आप लोगों को लर्न कैसे कर सकते हैं उसको, ना। अब देखिए, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले मैं आपको रिकॉल कराए दे रहा हूं कि देखिए, इसकी विधि हमको जो पढ़नी है ओस्टवाल्ड विधि और आर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि और आर्क विधि। जब दोनों विधि हम दोनों विधियों से जब हम नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे, देखिए जो ओस्टवाल्ड विधि, ध्यान दीजिए ओस्टवाल्ड विधि क्या है। ओस्टवाल्ड विधि में होता क्या है कि इसमें एक लेते हैं उत्प्रेरक कक्ष। क्या लेते हैं? उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष क्या होता है आप बोलेंगे, जिसमें कैटलिस्ट रहता है, जिसमें क्या रहता है? कैटलिस्ट रहता है। जब कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक रहता है, और इसमें उत्प्रेरक की जालियों, इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक यूज किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक यूज किया जाता है, और इसमें प्लेटिनम की जालियाँ रहती हैं। उसमें हम क्या डालते हैं? तो मैंने आपको बताया था 45 और 46, लर्न करने का तरीका बताया था कि आपको 4 अमोनिया के अणु और 5 ऑक्सीजन के अणु को मिलाना है, और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको प्रवाहित करना है। जब आप इन दोनों को प्रवाहित करेंगे तो बनेगा क्या? जैसा कि मैंने बताया 45, 46,
मीन्स 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन लेने पर 46 बनता है आपका, मीन्स 4 नाइट्रिक ऑक्साइड, 4 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड के और 6 अणु H2O के बनते हैं, ठीक, लर्न करने का तरीका। फिर आप क्या करेंगे कि उत्प्रेरक कक्ष के बाद में आता है ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष कौन सा आता है, ऑक्सीकरण कक्ष, साथ में बोलिए ऑक्सीकरण कक्ष आता है। पहले स्ट्रेटजी माइंड में तैयार कीजिए कि हमको पढ़ना क्या है ना, ध्यान दीजिए। उसके बाद में आता है ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष में होता क्या है कि देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण मीन्स किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होना, किसी चीज़ का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अपचयन हाइड्रोजन का रिड्यूस होना, या कह सकते हो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन को जुड़ना ऑक्सीकरण। अब देखिए होता क्या है ऑक्सीकरण कक्ष में, होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है उसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण कक्ष है तो उसमें क्या होगा ऑक्सीजन से क्रिया होगी, और ऑक्सीजन उसके साथ जब ऐड होगा तो बन जाएगा 2NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम अवशोषण, इसके बाद में आता है अवशोषण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष के बाद में आता है अवशोषण कक्ष। जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके या 3NO2 में चेंज हो जाता है, किसमें 3NO2 में चेंज हो जाता है। और अवशोषण कक्ष में आखिरकार होता क्या है कि यहाँ पर क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं, जिससे होता क्या है कि जब ये नाइट्रोजन डाई या 3NO2 की जब गैस ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर से जल प्रवाहित हो रहा होता है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, और हमको साइड वाले कक्षक में हमको क्या प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, वो भी शुद्ध अवस्था में। तो देखिए ये थी हमारी ओस्टवाल्ड निर्वात नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। अब हम लोग समझेंगे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की कौन सी विधि, बताइए। दो ही विधियां आपको पढ़नी है ना, फर्स्ट है ओस्टवाल्ड, दूसरी है आर्क विधि, ओके। ये माइंड में बनाइए कि नहीं हमको पढ़ना क्या क्या, पहले पढ़ना क्या क्या है, दिमाग दीजिए जब तक, क्योंकि आपके माइंड में ये तैयार नहीं होगी स्ट्रेटजी की, आखिरकार हमको प्रिपेयर क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगेगा चैप्टर को बड़ा है ना, जबकि चैप्टर कुछ नहीं बढ़ा, आप माइंड में स्ट्रेटजी केवल बनाइए और हमारे साथ चलिए। देखिए अब हम लोग समझेंगे आर्क विधि, माइंड में केवल सेटअप करिए, अब हम लोग समझेंगे आर्क विधि। आर्क विधि में क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है आर्क, तो इसमें जो सबसे पहले भट्टी प्रयोग की जाती है वो होती है आर्क भट्टी। क्या होती है आर्क भट्टी, जिसका टेम्परेचर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, जैसा कि आप भी जानते हैं, तो इसको क्या करते हैं जब, हाँ इसमें होता क्या है कि इसमें शुद्ध वायु, पहली बात तो शुद्ध कह रहे हैं तो वायु हो नहीं सकती, देखिए इसमें वायु को आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं, किसमें प्रवाहित करते हैं आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं, जिससे देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है, तो वो दोनों किसमें होंगे वायु में उपस्थित होंगे, और वही दोनों हमको चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हम वायु को आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं, आर्क भट्टी जैसा कि आप लोग नाम से क्लियर, किसी चीज़ में आर्क उत्पन्न करना मीन्स विद्युत उत्पन्न करना, ठीक है। तो जब उसमें कापर की रॉड डालते हैं आर्क भट्टी में और उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है आखिरकार कि जब हमने वायु को भी प्रवाहित कर दिया, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रवाहित कर रहे हैं, और आर्क चूँकि तो निश्चित है कि आर्क तो उत्पन्न ही होगी, है ना, कापर की रॉड डालेंगे उसमें वायु प्रवाहित करेंगे ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आर्क उत्पन्न हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा हमारा, उसको हम किसमें भेजेंगे, सबसे पहले शीतलक और बॉयलर में भेजेंगे, चूंकि होता क्या ये शीतलक बॉयलर क्या होता है, ध्यान से दीजिए इधर ध्यान दीजिए कहाँ है ध्यान आपका, शीतलक और बॉयलर क्या होता है, शीतलक और बॉयलर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे शीतलक और बॉयलर क्या है। हम लोग जानते तो हैं शीतलक, देखिए जैसे कि नाम से क्लियर है शीतलक, शीतलक मीन्स ठंडा करने वाला, बॉयलर मीन्स उबालने वाला, लेकिन इधर होता क्या है कि हमको ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है इसको ठंडा करना होता है। जब ठंडा करना होता है तो इसके लिए हम जो शीतलक होता है उसके चारों ओर वाटर यानी पानी भर देते हैं। जब पानी भर देते हैं तो चूंकि गैस इतनी गर्म होती है कि पानी क्या हो जाता है उबलने लगता है, तो वही क्या कहलाता है बॉयलर, ठीक है ना। और गैस क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है, इसको हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ठंडी कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको भेजेंगे ऑक्सीकरण टावर में, जिससे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखिए यहाँ तक तो विधि आर्क विधि रहती है, लेकिन इसके बाद में फिर से वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है जो हमने ओस्टवाल्ड विधि में किया होता है। यही किए होते हैं ना कि जब हम उसको उत्प्रेरक कक्ष से नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, तो वही अब यहाँ पर होने वाला है। देखिए हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को अब किस में भेजेंगे,
ऑक्सीकरण कक्ष में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न हो जिसे क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पराक्साइड बनाएगा। जब ये नाइट्रोजन पराक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण टावर में जाएगा तो ये 3NO2 में ऑटोमेटिक उप, क्योंकि होता क्या है कि वायु उपस्थित होती है और उससे क्रिया करके 3NO2 में चेंज हो जाता है। और उसमें होता क्या है, ऊपर से जल गिर रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, जिससे और उसमें क्या होते हैं सिलिका या क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, जिससे वो वहाँ से क्रिया करके क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल, और हमको नाइट्रिक अम्ल का अवक्षय प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस प्रकार ये क्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, यही थी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि और आर्क विधि। समझ में आया ना? ओके, मक्खन हो गया? चैट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दोस्तों ध्यान दीजिए इधर। देखिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं, इसलिए पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए अब हम लोग समझेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, 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 केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, देखिए देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, इसमें भी आप लोगों को हम ट्रिक बताएंगे। देखिए ट्रिक से याद करिए, सब कुछ याद होगा और माइंड में फिट होगा, और जबकि ट्रिक ऐसी होगी जिसको आप कभी भूले हुए नहीं। देखिए हम लोग पढ़ना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले स्ट्रैटेजी तैयार करो, किसी भी चैप्टर को कुछ भी पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, आप पहले स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, वो भी किसकी, HNO3 में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की। तो देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट है अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया। सेकंड है धातुओं से क्रिया, सेकंड इज धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। थर्ड इज उपधातुओं से क्रिया, उपधातुओं से क्रिया, उपधातुओं से क्रिया। ठीक, ये कौन सा थर्ड नंबर है? देखिए देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, और जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। केमिस्ट्री एकदम मक्खन कर दूंगा, ठीक ना, बस आपको केवल ध्यान से पढ़ना है, बस जो मैं कहूँ उसको बस एक ही बार में, क्योंकि आपके पास में अब टाइम नहीं है, एक बार पढ़ो, माइंड में सेट करो, भूलो नहीं, पेपर तक कॉपी में लिख करो जो मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले समझेंगे हम अधातुओं से क्रिया। ठीक है, किससे, अधातुओं से क्रिया। तो देखिए हमको इस चैप्टर में पढ़नी है 5 धातुएँ, 5 या 4 अधातुएँ हैं, बस केवल उतनी पढ़नी है। ध्यान दो केवल उसमें, उसमें उसमें केवल ध्यान दो, 5 या 4 अधातुएँ पढ़नी है, बस खत्म। केमिकल प्रॉपर्टीज अधातुओं वाली, देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट है, ध्यान दीजिए इधर, देखिए फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है सल्फर, सेकंड है कार्बन, थर्ड है फास्फोरस, फिर है आयोडीन। ठीक, क्या है, आयोडीन, बस सिंपल। अधातुओं से क्रिया खत्म। देखिए कैसे, एक ही बताऊंगा आप सारे कर लेंगे, एक ही बताऊंगा आप सारे कर लेंगे, निश्चित है, देखना भी ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक है एक प्रकार की, क्या है, ट्रिक है, ट्रिक से मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम सल्फर से क्रिया कराएंगे, पहले एक चीज़ और देख लो इससे पहले कि देखिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये 2 प्रकार से विघटित होता है। कितने प्रकार, 2 प्रकार से विघटित होता है। आप बोलेंगे कैसे, देखिए तो मैं कहूँगा ऐसे, कैसे, ऐसे। देखिए जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, अगर वो सांद्र हुआ, देखिए उसकी भी मैं ट्रिक बताऊँगा कैसे भी विघटित हो रहा है। देखो ये देखिए, ये है 2HNO3, टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए विघटित मुझे करना है, देखिए किसी ने कह दिया सांद्र में करो भैया, मैंने कह दिया ठीक है भैया मैं सांद्र में क्रिया दे रहा हूँ, कहता है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मैं देखो अभी पता चलेगा, देखो अगर सांद्र है तो ये 2NO2 से O2 में विघटित होगा, प्लस बनाएगा H2O प्लस का नवजात ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन,
देखिए ये क्या नवजात ऑक्सीजन है, अभी नया नया हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। देखिए इधर, अब आप बोलेंगे ये सांद्र है, कैसे हम जाने कि सांद्र है? देखिए सांद्र होने की ट्रिक है इसमें, ये जो है टू एन ओ टू, ठीक। अगर ये सांद्र होता है, अगर ये सांद्र होता है तो किस में टू एन ओ टू में विभक्त होता है, ठीक है ना। टू एन ओ टू में विभक्त होता है, मतलब ये ओ टू इधर होता है। अगर ये एक ही हम कह दें तनु, तो देखिए तनु में क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर हो गया तनु, तो तनु में ये दो हम इधर से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो तनु होता है वो पतला होता है, फैला हुआ होता है ना, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ से फैला देंगे ऐसे। इधर से ऑक्सीजन दो 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 थे, उसको हम ऐसे ले जाएंगे फैलाते हुए, यहाँ से फैलाते हुए, ऐसे फैलाते हुए इधर ले आएंगे दो, तो इधर कितने हो जाएंगे, तीन ऑक्सीजन। ऐसे ट्रिक है, ध्यान दिया आप, समझ गए। अगर देखिए ध्यान ध्यान दीजिए, तनु है तो हम फैला देंगे, मतलब तीन ऑक्सीजन, मतलब इधर से निकालेंगे, इधर से उठाएंगे और ऐसे फैला देंगे, जैसे कोई चीज़ अब इसे उठाया आप ऐसे फैला दिया, तो इधर से उठाएंगे हम ऐसे फैला देंगे, तो इधर कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन है तो किसके पास हो जाएगा, ऑक्सीजन दूसरा वाला कहेगा आओ हमारे पास, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ हमारे पास आओ, हमको तीन कर दो, क्या कर दो, तीन कर दो। अब देखिए आगे, ये सांद्र है तो आप समझ सकते हैं कि सांद्र में क्या हो जाएगा, जो कहेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमारे पास आओ, तुम हमारे पास आओ, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम गाढ़े गाढ़े हो, तो इसलिए फैलोगे नहीं। देखिए इधर क्या हो जाएगा, टू एन ओ टू, ठीक। तो ये क्रिया होती है। चलिए मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना, कमेंट जरूर करना एक बार कैसा लगा आपको, ठीक। देखिए अब, देखिए इधर ध्यान दीजिए, पहले तो मैं लूँगा इसमें ले, ठीक है, इसमें लेंगे हम कौन सा, सांद्र वाला, ठीक, सांद्र वाला, तो ऐसे भी घटित हो जाएगा। अब देखो अब हमको लेना है सल्फर, देखिए इसकी भी ट्रिक है, सल्फर इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है कि हमेशा धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हमेशा धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं, चाहे कोई भी धातु, कोई भी धातु, उसमें हमेशा ऑक्सीजन ही ऐड होगा, चूंकि यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकलता है तो वही इधर ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, इधर ऐड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, धातुओं के ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। किसके बनाएंगे हम ऑक्साइड, धातुओं के बनाएंगे, कोई भी धातु हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, कार्बन हो, आयोडीन हो, सभी के सॉल्ट बनेंगे। चलिए नोट कर लीजिए तब तक, चलिए देखिए, ठीक है ना, नोट हो गया ना। अब देखिए इधर से हम बनाएंगे क्या, एसओ टू, क्या बनाएंगे, एसओ टू बन गया ना हमारा एसओ टू। देखिए जैसे ही हमारा एसओ टू बनेगा, जैसे ही हमारा एसओ टू बनेगा, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, यार सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब देखिए इसकी क्रिया हम इससे फिर करा देंगे, एसओ टू से, एसओ टू प्लस टू एच एन ओ थ्री, तो बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, अगर हम केवल एच एन ओ थ्री से कराएं, देखिए अगर हम इसको केवल एच एन ओ थ्री से कराएं तो क्या होगा, कमेंट करिए क्या होगा अगर हम केवल इसको एच एन ओ थ्री से कराएं।
रही हूँ।